नाउ will स्टार्टिंग अबाउट द टॉपिक द स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सी प्री प्रोसेसर क्या होता है और क्या करता है लेट अस लुक एट दिस डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है बट इस इतने डिटेल में नहीं पढ़ा है हम लोग जब लैब में जाते हैं हम सबसे पहले अपना सी का एडिटर खोलते हैं उस पर प्रोग्राम लिखते हैं टाइप करते हैं सेव करते हैं उसके बाद हम कंपाइल करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसे सोर्स प्रोग्राम कहते हैं या सोर्स कोड कहते हैं सोर्स कोड कंपाइलर के पास जाता है फॉर ट्रांसलेशन कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके सोर्स कोड को इनटू ऑब्जेक्ट कोड ट्रांसलेट करता है उसके बाद हम एग्जीक्यूट करने का कमांड देते हैं आपका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए लोडर ले जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है तो

प्री प्रोसेसर देखो कंपाइलेशन से पहले काम करता है और लिंकर कंपाइलेशन के बाद काम करता है तो प्री प्रोसेसर और लिंकर दोनों ही प्रोग्राम्स हैं प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपाइलेशन से पहले काम करता है और लिंकर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपाइलेशन के बाद काम करता है लिंकर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लिंकर का, का काम क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट फाइल्स जेनरेट होती हैं उनको हेडर फाइल से लिंक कराता है और आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है राइट अब आते हैं प्री प्रोसेसर क्या करता है प्री प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंपाइलेशन से पहले काम करता है आपके सोर्स प्रोग्राम पे ये अपने डायरेक्टिव्स ढूंढता है और उन डायरेक्टिव्स का जो एक्शन है वो परफॉर्म कराता है

ना वॉट आर डायरेक्टिव देखो चार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं मैक्रो एक्सपेंशन जिसको हैश डिफाइन से लिखा जाता है फाइल इंक्लूजन जिसे हैश इनक्लूड लगा के लिखा जाता है कंडीशनल कंपाइलेशन जिसे हैश एफ या हैश एल्स या हैश एल एफ

बट अब हम लोग ये सब जान ये इनके नाम जान चुके हैं और अब इनके बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे ये जो दो डायरेक्टिव्स हैं कंडीशनल और मिसलेनियस ये हम लोगों ने आज तक कभी नहीं पढ़े एंड वी विल स्टडी दिस फॉर द फर्स्ट टाइम अब हम लोग एक एक डायरेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे द फर्स्ट डायरेक्टिव दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मैक्रो एक्सपेंशन वॉट इज अ मैक्रो एक्सपेंशन देखो मैक्रो एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं पहले ये सीख लो देन आई एक्सप्लेन कि ये क्या करता है मैक्रो एक्सपेंशन लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो ये है हैश डिफाइन लिखिए फिर मैक्रो का नाम लिखिए फिर मैक्रो का एक्सपेंशन लिखिए राइट

मैक्रो एक्सपेंशन डायरेक्टिव ये करता है कि जहाँ जहाँ आपके प्रोग्राम में ये मैक्रो नाम जो अभी अभी आपने डिफाइन किया है जो मैक्रो नेम जहाँ जहाँ आपके प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है प्री प्रोसेसर उन सभी अक्रेंसेस को उन उसके एक्सपेंशन से रिप्लेस कर देगा

तो देखो मैंने यहाँ पे चार एग्जाम्पल्स लिखे हैं इन एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको इनके एडवांटेजेन करती हूँ पाई थ्री पॉइंट वन फोर पहला एग्जाम्पल देखो इस एग्जाम्पल को हमने पहले भी यूज किया है फॉर डिक्लेयरिंग कॉन्स्टेंट्स इन द प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल राइट right? वहां मैंने आपको ये बताया था कि ये एक तरीका है कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने का व्हाट आर कांस्टेंट्स कांस्टेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम चाहेंगे कि गलती से या जानबूझकर कोई भी उसको उसकी वैल्यू को चेंज ना कर सके राइट right? अब देखो इस मैक्रो एक्सपेंशन मैक्रो एक्सपेंशन में क्या होता है कि जो मैक्रो का नाम है वो उसके एक्सपेंशन से रिप्लेस हो जाता है बिफोर द मैक्रो इज सेंट बिफोर द प्रोग्राम इज सेंट टू द कंपाइलर तो जब आपका प्रोग्राम कंपाइलर के पास पहुंचेगा तो पाई जैसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इट विल बी रिप्लेस्ड बाय थ्री पॉइंट वन फोर राइट right? तो जब पाई जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई उसको जानबूझ के या डेलीबरेटली या अन इंटेंशनली उसको चेंज नहीं कर पाएगा राइट right? तो मैक्रो की इस खासियत को हमने कांस्टेंट डिक्लेयर करने में यूज करा जब मैक्रो पहले ही रिप्लेस हो जाता है और कोई उसको चेंज नहीं कर सकता तो हम इसको कांस्टेंट डिक्लेयर uh, करने के लिए यूज कर सकते हैं राइट right? तो ये इसका पहला एडवांटेज है दैट मैक्रोस कैन बी यूज फॉर डिक्लेयरिंग कॉन्स्टेंट्स इज दैट क्लियर अब इसके दूसरे एडवांटेज पे आते हैं देखो कॉन्स्टेंट uh, डिक्लेयर करने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं होता है हम कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से भी डिक्लेयर कर सकते थे बट वहां भी मैंने आपको ये बताया था कि दिस शुड बी प्रेफर्ड ओवर कॉन्स्ट वट इज द रीजन इसके दो रीजन है देखो एक तो मैक्रो से जो चीजें हम बनाते हैं कॉन्स्टेंट्स uh, या वेरिएबल्स अगर हम बनाते हैं मैक्रो की मदद से तो वो फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स द रीजन बींग कि ये काम ये मैक्रो का काम तो कंपाइलर से पहले मतलब एग्जीक्यूशन से पहले ही हो गया इवन कंपाइलेशन से पहले हो गया तो ये चीज एग्जीक्यूशन टाइम में काउंट नहीं होती तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी फास्टर और दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर हम कॉन्स की वर्ड की मदद से बनाते तो पाई नाम का एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता जहां थ्री पॉइंट वन फोर स्टोर होता जबकि जब यही चीज हम मैक्रो से बनाते हैं तो कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं होती यानी मेमोरी खर्च भी नहीं हो रही और आपका प्रो, आपका जो आ, प्रोग्राम है वो फास्टर भी हो गया सो दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ मैक्रो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इट कैन बी यूज फॉर डिक्लेयरिंग कॉन्स्टेंट्स एंड मैक्रोज वर्क फास्टर देन अदर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स All right. अब इसके थर्ड एडवांटेज पे आते हैं देखो हमने एक प्रोग्राम किया था लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स वहां हम लोगों ने लिखा था कि इफ़ ए ए इज इज ग्रेटर ग्रेटर देन देन बी एंड एंड सी सी ऑपरेटर में होता दो एम्परसेंट इस तरीके से लिखा जाता है राइट right? अब देखो जो लोग सी की प्रोग्रामिंग जानते हैं वो तो इस ऑपरेटर को पहचानते हैं बट अगर मैं किसी और को दिखाऊं अपना प्रोग्राम तो वो इस ऑपरेटर को नहीं पहचानेगा राइट right? अगर इस दो एम्पर सेंड की जगह ए एन डी लिखा होता एंड लिखा होता तो इस प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और बढ़ती नहीं तो हर आदमी पूछेगा कि ये क्या है व्हाट दिस मीन एंड ऑल राइट सो देखो मैं ये चाहती कि जो जो मेरा जो मेरा मेरा प्रोग्राम प्रोग्राम देखे यूजर्स देखें उन्हें ए एन डी दिखाई दे लेकिन अगर ए एन डी दिखाई देगा तो कंपाइलर को नहीं समझ में आएगा क्योंकि कंपाइलर को तो ये ऑपरेटर चाहिए राइट right? तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि यूजर को ए एन डी दिखाई दे लेकिन कंपाइलर को दो एम्परसेंट दिखाई दे ये चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ थ्रू मैक्रोज देखो मैंने एक मैक्रो डिफाइन कर दिया ए एनडी नाम का और उसका एक्सपेंशन मैंने क्या दे दिया दो एम्परसेंट ऑपरेटर्स अब मैं अपने प्रोग्राम में जहां मुझे दो एम्परसेंट लगाने थे वहां मैं लिखूंगी ए एन डी तो जब मेरा प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा तो उससे पहले डेफिनेटली प्रीप्रोसेसर के पास जाएगा प्रीप्रोसेसर ए एंड डी को एम्परसेंड से रिप्लेस कर देगा दो एम्परसेंड से रिप्लेस कर देगा तो देखो यूजर्स को ए एंड डी दिखने लगा और कंपाइलर को दो एम्परसेंड मिलने लगे सो so, इस तरह की चीज मैक्रो के थ्रू की जा सकती है अब इसका एडवांटेज क्या है देखो इसका एडवांटेज है दिस इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम आपका प्रोग्राम पढ़ने में

मेहनत का काम है राइट तो मैं क्या करूंगी मैं इस लाइन को उठा के इस स्टेटमेंट को उठा के एक में डाल दूंगी मैक्रो एक शब्द का है प्रिंट। मैक्रो का नाम क्या है, प्रिंट? और उसमें मैंने क्या डाल दिया प्रिंट द दिस इज द रिजल्ट राइट अब जहां जहां मैं ये स्टेटमेंट चाहती थी वहां वहां मैं इस शब्द को लिख दूंगी फाइन अब देखो मेरा काम आसान हो गया ना मुझे तो एक वर्ड एक लिखना है बस अब प्री प्रोसेसर अपने आप कंपाइलर के पास जब भेजेगा तो मेरे उस एक वर्ड को इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर देगा। व्हाट इज द एडवांटेज? ऐसा करने से आई कैन अवॉइड फ्रॉम री राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। बार-बार वही काम लिखने से मैं बच गई, राइट? Right? अच्छा एक चीज यहाँ और बतानी है, देखो Uh, काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या मैक्रो के पीछे सेमीकोलन होना चाहिए या हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते इसका आंसर ये है कि तुम जो भी मैक्रो एक्सपेंशन लिखोगे वो एज इट इज प्रोग्राम में सब्सिट्यूट होगा तो देखो मेरा मैक्रो यहां पे नाम क्या है प्रिंट प्रिंट किससे रिप्लेस होगा इस पूरे स्टेटमेंट से रिप्लेस होगा ना तो यहां सेमिकोलन तो होना ही चाहिए नहीं तो मेरा ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा वेयर एज थ्री पॉइंट वन फोर के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि पाई इंटू आर इंटू आर में अगर 3.14 3.14 सेमीकोलन से रिप्लेस होगा तो एरर आ जाएगा राइट तो द आंसर इज कि आप जैसा लिखेंगे वैसा सब्सिट्यूट होगा तो प्रोग्राम के हिसाब से मैक्रो बनाइए इज इट क्लियर अच्छा एक चीज और बतानी है एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा मैक्रो एक ही स्टेटमेंट का हो सपोज दो स्टेटमेंट मुझे लिखने पांच एट डिफरेंट फाइव प्लेज इन द सेम प्रोग्राम मुझे दो स्टेटमेंट लिखने थे एक प्रिंटे दिस इज द रिजल्ट और लेट से वेल डन दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखने थे तो अगर दो लाइन का मैक्रो बनाना है या दो से अधिक लाइन का मैक्रो बनाना है तो एक बैक स्लैश लगाओगे बैक स्लैश का मतलब होता है कि मैक्रो अभी खत्म नहीं हुआ इट इज इन कंटिन्यूएशन उसके बाद आप प्रिंट एफ लिखोगे उसके बाद आपको जो भी लिखना है सपोज मुझे लिखना था प्रिंट एफ वेल डन तो मैं यहां पे वेल डन लिख के एंड आई विल पुट अ सेमीकोलन इनफैक्ट एक सेमीकोलन यहां भी लगाना पड़ेगा

जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल राइट अम टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कलो मैक्रो की मदद से आपको एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और जहाँ एरिया निकालनी थी वहां लिख दिया पाई इंटू आर इंटू आर तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा आपके पूरे प्रोग्राम को पढ़ेगा जहां जहां उसे पाई दिखाई देगा तो देखो पाई कहाँ दिखाई दे रहा है सिर्फ यहाँ पर उसको वो थ्री पॉइंट वन फोर से रिप्लेस कर देगा

आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकालना आता है है ना अगर स्क्वायर निकालना होता तो आप क्या करते आप यूजर से एक नंबर मांगते नम में स्टोर करते फिर स्क्वायर कैसे निकलता नम इंटू नम से फिर स्क्वायर को प्रिंट करते और गेट सी एच ये आपका नॉर्मल प्रोग्राम है अब यहाँ ये यह कहा गया है कि मैक्रोज की मदद से बनाइए राइट यानी आपको यहाँ पे हैश डिफाइन डायरेक्टिव यूज करना है और एक मैक्रो बना के दिखाना है अब देखो हम जानते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में से हम कुछ भी उठा के और मैक्रो में डाल देते हैं और उस जगह पर मैक लिख देते फॉर एग्जाम्पल इतना पार्ट उठाया और इसको एक मैक्रो में डाल दिया सपोज मैक्रो का नाम मैंने लिखा है एसक्यू ठीक मैक्रो का नाम मैंने एस क्यू रखा है अब मैं क्या कर सकती हूँ कि ये तीन लाइंस उठा के और एसक्यू के आगे यहाँ पे लिख दूं और इन तीन लाइंस की जगह सिर्फ एक शब्द लिख दू एसक्यू ऐसा भी कर सकती थी या ये पूरा ही कोड उठा के और मैं एसक्यू में डाल दूं कुछ भी उठा के आप मैक्रो में डाल सकते हो तो देखो ज्यादा लॉजिकल ये बनता है कि जो असली काम है ये असली काम है ना दिस इज द लॉजिक तो इस लाइन को उठाकर और मैं यहां पर लिख दूंगी लाइक दिस नम इनटू नम सॉरी नम इनटू नम मैंने उठा के लिख दिया एंड सेमीकोलन लगाना चाहो लगा दो नहीं लगाना चाहो तो यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे नम इंटू नम हटा के और मैं लिख दूंगी एस क्यू मैक्रोस से प्रोग्राम ये तो मैंने नम इंटू नम उठाया तुम कुछ भी उठा के डाल सकते हो राइट तो देखो मैक्रोस से प्रोग्राम बनाने बहुत इजी हैं आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखो और जो असली पार्ट है उसको उठा के मैक्रो में डाल दो और मैक्रो का नाम उठा के अपने प्रोग्राम में लिख दो तो देखो जहाँ sq लिखा होगा वहाँ क्या आ जाएगा नाम टू नाम अब मान लो एक क्वेश्चन ये होता राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ नंबर यूजिंग मैक्रोज तो आप क्यूब कैसे निकालते हो पोव नम कॉमा अमात्री से तो मैं यहाँ यहाँ पे आ, मैं यहाँ पे मैक्रो इन दैट केस बना या तो एक तरीका होता है नम इंटू नम इंटू नम करना या दूसरा काम तरीका क्या होता है पीओ डब्ल्यू नम कॉमा थ्री तो आप आराम से ऐसा यूज कर सकते थे आप यहाँ लिखते पी ओ डब्ल्यू डब्ल्यू और यहाँ पे लिखते नम कॉमा थ्री नम कॉमा थ्री और ऑब्वियसली हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच आपको करना पड़ता अगर आप पीओडब्ल्यू यूज करते तो देखो एस क्यू किस रिप्लेस हो जाता पीओडब्ल्यू नम कॉमा से तो आपका क्यूब ऑफ अ नंबर निकल जाता ठीक या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे नम 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 वो भी फाइन था नम इम इंटू नम ऐसा भी लिख सकते थे राइट तो क्यूब ऑफ अ नंबर निकल जाता सपोज क्वेश्चन ये होता कि आपको लेट्स uh, से <coughs> सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड अब देखो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड को उठा के मैक्रो में डाल दो मैक्रो का कुछ नाम रख दो लेट्स से सिंपल यानी मैं लिख दूंगी simple, और एक्सपेंशन क्या दे दूंगी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड अब अपने प्रोग्राम में पी इनपुट कराओ आर इनपुट कराओ टी इनपुट कराओ और फिर लिख दो एस आई इज इक्वल टू सिंपल तो सिंपल वर्ड जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय रिप्लेस Into R into T upon 100. This is how we write programs of macro. So uh, that is all about macros.